मोदी सरकार अपने काले करतूतों को पर्दा डालने का कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं। अरे भाई, पहले तुम तो खुल के आओ, फिर निकालो ना भाई। 1-2 हजार लोग दिए होंगे बॉन्ड्स, 3 हजार, उतने लोगों की लिस्ट नहीं मिलती आपको, तो क्यों छुपा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, लेकिन आप SBI को नहीं बोल सकते। और CAG में जो रिपोर्ट आते हैं उसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं करते। CAG रिपोर्ट और किसी की होती तो अब तक उसको उनका 12 बजाते। ये ऐसे लोग हैं, इनसेंसिटिव, थिक स्किन है, मोटी चमड़ी, तो उनको कोई होता ही नहीं। ED, CBI, IT, ये रेड डलवा कर किन किन के पास बॉन्ड लिए उनके नाम खुल जाएंगे, तो वो नहीं चाहते इसको उनके नाम खुलवाना। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में अभी संविधान को संपूर्णता BJP के ओर से स्वीकार किया नहीं गया, और वो बार बार RSS, BJP एक तरफ, प्रधानमंत्री भी एक तरफ ये बात करते हैं कि संविधान कभी नहीं बदलेगा, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं, उनके लोगों से कहलाते हैं कि संविधान बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए, इसीलिए आप 2/3 मेजॉरिटी दो, हम संविधान बदलेंगे। ये कोई मामूली आदमी नहीं बोला, ये कोई फ्रिंज, क्या बोलते हैं उसको, फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये तो BJP के नेता है, MPs हैं, RSS संगठन है, ये पहले से बोलते आए हैं। आज फिर उन्होंने दोहराया, कर्नाटक में दोहराया और दूसरे जगह भी वो दोहरा रहे हैं कि इसको संविधान को बदलना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमेशा सोशल जस्टिस के खिलाफ है और संविधान में जो सेक्युलरिज्म शब्द आया है उसके खिलाफ है, और खास करके BJP और RSS और RSS प्रमुख नेता जो हमारे क्या नाम मोहन भागवत जी, ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है, वो हमेशा यही बात करते हैं, कभी मेरिट की बात करते हैं, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी रिजर्वेशन निकालने की बात करते हैं, और कोई कहीं प्रश्न आया कोई पूछे, नहीं अब तो नहीं संविधान बदलेंगे, अब आगे देखेंगे। तो ये जो मानसिकता है, मैं ये कहूंगा ये बड़ी एक बुरी मानसिकता है, इससे देश में हंगामा मचेगा अगर आप संविधान को बदलने की बात बार बार अगर करते रहेंगे। SC ST का रिजर्वेशन संविधान में तो दिया गया है, अब क्या बदलना चाहते हैं आप?
ये सवाल आज पूरे देश के सामने है। और हमेशा ये कहते हैं अभी भी कि क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी होना अगर किसी से किसी के बीजेपी के एमपी और वर्करों से और आरएसएस के लोगों के मुंह से जब निकलता है 2/3 मेजॉरिटी का, यही उद्देश्य होता है कि संविधान बदलने के लिए। इसीलिए बार बार मोदी जी भी कहते हैं 400 पार। क्यों कहते हैं? अरे आप 2/3 मेजॉरिटी दे दो, हम संविधान बदलेंगे। लेकिन वो अपने मुंह से नहीं बोल रहे, किसी के मुंह से वो बोलने लगा है। नहीं तो अगर मोदी जी के पास हिम्मत है, अरे ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है, सोशल जस्टिस के खिलाफ है, मेरा पार्टी का आदमी अगर कोई बोलेगा उसको पार्टी के बाहर निकालूंगा, अगर ये हिम्मत करे तभी लोगों को विश्वास होता है। एक तरफ तो तुम चुप बैठते हो, ये दूसरे तरफ संविधान की रक्षा हम करते हो ये कहते हैं, तो ये जो देश में चल रहा है और उसका मकसद भारी बहुमत लेने का, संविधान बदलने का ही उनका इरादा है। और दूसरी बात, संविधान बनाने में, देश को आजादी दिलाने में इनका कोई योगदान नहीं है, इन्होंने कभी कोशिश नहीं की। इन्होंने तिरंगा झंडा को भी अपोज किया, तिरंगा झंडे में जो अशोक चक्र है उसको अपोज किया, और वो आज भी अपना भगवा झंडा आरएसएस लगाते, राष्ट्रीय झंडे को उतना महत्व नहीं देते। और मोदी जी हमेशा बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, नमन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनके उसूलों को वो नहीं मानते। अगर उसूलों को मानते तो उसको जिन जिन लोग ये बात कह रहे हैं, जो जो लोग, उन लोगों को पार्टी से निकाले या उनके टिकट को बंद कर दे या उनको बोल दो आइंदा अगर आपने ऐसा किया मैं आपको पार्टी के बाहर निकालूंगा, ये सहन नहीं करूंगा। ये खासकर गरीबों के लिए बना हुआ संविधान है। सोशल जस्टिस ये संविधान में है, और सोशल जस्टिस आप इसलिए नहीं चाहते कि मैं ये कहूंगा कि आप मनुवादी हैं। संविधान जो बना तब से लोगों को, गरीब लोगों को, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हो, उनको जो आजादी मिली है, वोट की आजादी मिली है, महिलाओं को भी, नहीं तो किसी देश में महिलाओं को वोटिंग अधिकार इमीडिएटली मिला है? आप देखिए इतिहास निकाल के, अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, स्विट्जरलैंड हो, कहीं भी आप देखो, कहीं भी आजादी मिलने के बाद, इंडिपेंडेंट कंट्री होने के बाद किसी ने भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया। ये एक ही संविधान है जो बाबा साहब अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और ये सभी लोगों ने मिलके जो तैयार किया, ये एक ही संविधान है। सभी महिलाओं को, गरीबों को, पिछड़े हुए लोगों को और जो वंचित लोग हैं उनको समान, अडल्ट फ्रेंचाइज सबको समान वोटिंग का अधिकार दिया, ये भी नहीं मानते। और ऊपर से हमको पूछे तुमने क्या किया, ये सबसे बड़ा महत्व काम हमने किया। मैं कहूंगा कि ये गरीबों को हकूक छीनने के लिए ये सारी इनकी कोशिश हो रही है। दूसरी चीज, संविधान के तहत जो संस्थाएं हैं, ऑटोनोमस बॉडीज है,
उन ऑटोनोमस बॉडीज को भी इन्होंने एक एक करके खत्म कर रहे हैं, चाहे सीएजी हो, और सीएजी में जो रिपोर्ट आते हैं उसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं करते। हमने एक आंकड़ा निकाला है सीएजी में, स्टेट बीजेपी रूल्ड स्टेट में कितना घपला हो गया, सेंटर में कितना घपला हो गया, ये सब हमने आंकड़े जमाए हैं, तो सीएजी के रिपोर्ट में ही निकलता है कि 8,50,000 करोड़ आज घोटाला है इसमें। लेकिन वो कभी मानने को तैयार नहीं। सीएजी रिपोर्ट और किसी की होती तो अब तक उसको उनका 12 बजाते थे। ये ऐसे लोग हैं, इनसेंसिटिव थिकनेस है, ये क्या इसको बोलते हैं, स्किन को थिक स्किन है, मोटी चमड़ी। तो उनको कोई होता ही नहीं, और वो जो कहते हैं वही बात उसको पुनरावृत करते हैं, 100 बार बोलते हैं। तो ये एक तरफ, और दूसरी तरफ ये हम इलेक्शन कमीशन के सामने भी वीवीपैट का मुद्दा रखे हैं, लेकिन वो 100% दो भाई, जो वोट डालता है वो सब गिनेंगे, बस हमारा और दूसरा कुछ नहीं है। जो लोग वोट करते हैं, जो वीवीपैट आती है, तो 100% गिनो, क्या तकलीफ है आपको? उसके ऊपर भी उनका कोई उत्तर नहीं है। फिर पीएम साहब खुद नहीं कहते कुछ, दूसरों से कहलाते, ये बड़ा अजब है। अरे तुम कैसा, हमारे पास कहावत है देहातों में, माफ करना, मैं इसी एग्जांपल देता हूं आपको। वो क्या करते हैं कि एक तरफ बच्चे को चिमटा देते हैं, दूसरे तरफ फिर उसको थोप देते हैं कि अरे मत रो मत रो, ये नीति है उनकी। इधर बोलने का, अरे तुम बोलते जाओ मैं समझाते जाता हूं, यही कर रहे हैं वो। इसके बाद और एक प्रश्न है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, ये तो एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया कि मोदी सरकार अपने काले करतूतों को पर्दा डालने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 4 महीने क्यों होना, आपके पास जो डाटा है और डाटा का मास्टरी आपने किया है, और हर जगह बोलते हैं ये डाटा आने के बाद सब अंक संख्या सभी मिल जाते हैं, और ये बहुत जल्दी ही मालूम हो जाता हर चीज का, क्या फिर निकालो ना भाई। 1,000-2,000 लोग दिए होंगे बॉन्ड्स, 3,000, उतने लोगों की लिस्ट नहीं मिलती आपको, तो क्यों छुपा रहे? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, लेकिन आप एसबीआई को नहीं बोल सकते, क्योंकि सिलेक्शन आप ही तो कर रहे हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का सिलेक्शन आप ही का है, सीबीआई सिलेक्शन आप ही का है। अगर हम वहां जाके अपोजिशन लीडर अगर सजेशन भी देते, एक सजेशन नहीं सुनते, फिर बहुत से बार हम डिसेंट नोट देना पड़ता है। क्यों? कि सच उनके सामने रखे, फैक्ट्स भी रखे, तो बाजू निकाल देते हैं। ठीक है, आप कैसे हैं रमेश जी, क्या है आपके लिए? ठीक है, ठीक है, लिखो। ये मेरा अनुभव में बोल रहा हूं, मैं भी 7-8 साल वो काम किया हूं, तो ऐसा चलता है, सलाह मशवरा नहीं होता। या उन जिन कैंडिडेट को वो प्रपोज करते हैं उससे भी बेहतर कैंडिडेट है तो भी उसको नहीं लेते। एक
अब इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो लिस्ट का पता चलेगा अगर जल्दी वो बहुत ही ऑनेस्ट है, सिंसियर है, किनके पास किनसे भी मदद अगर नहीं लिए और वो अपने आप प्रिंट करके बॉन्ड्स बना लिए हैं तो बात और है कि, लेकिन आज वो SBI कह रही है कि जुलाई तक हम आपको बताएंगे सब चीजें। क्यों इतना टाइम लगता है? सबका लिस्ट है आपके पास, ये देखो लाखों में है, करोड़ों में है, तो बात और है। ये सिर्फ गिने गिने लोग दिए सो है, आप उसका लिस्ट इमीडिएटली कर सकते हो। तो वो भी वो नहीं करना चाहते क्योंकि इलेक्शन तक छुपाना चाहते हैं, फिर इलेक्शन के बाद क्या होगा वो देखेंगे, उनका ये है। और मीडिया रिपोर्ट से ये तो अब उजागर हो गया कि ईडी, सीबीआई, आईटी ये रेड डलवा कर किन किन के पास बॉन्ड लिए उनके नाम खुल जाएंगे, तो वो नहीं चाहते इसको उनके नाम खुलवाना। तो ये मौके और उन्होंने रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वो खुद जवाब दे ही है। और ये उनका अगर क्लियर मंशा है, साफ नियत, नियत अगर साफ है तो जरूर वो बता सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं। अरे भाई पहले तुम तो खुल के आओ, तुम तो बता दो, वो नहीं बताएंगे। भाषण करते करते कितना फिरेंगे,